हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर में रोहित को जादू की शक्तियों से जिंदा किया गया। रोहित मेहरा का ही एक शिष्य जो आलोक नाम का एक साइंटिस्ट है, जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो इंसानों की कार्य क्षमता बढ़ाने वाला एक सीरम तैयार कर रहा था। जो सीरम चोरी हो गया और किसी दूतावास के हाथ लग गया। दोस्तों, साल 1950 में अमेरिकी सेना ने सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में जैविक हमले को लेकर एक अजीब प्रयोग किया, जिसमें लाखों लोग जानलेवा बैक्टीरिया की जद में आ गए। सेना ने सेरेशिया मोर्सेसिस नाम के केमिकल के बादल बनाकर छोड़ दिए। इसके बैक्टीरिया से करीब 1 दर्जन लोगों को निमोनिया की शिकायत का सामना करना पड़ा। जब इस सीरम की सच्चाई बाहर आई तो रोहित को बुलाया गया। तब रोहित ने आलोक से उस सीरम के बारे में पूछा तो आलोक ने बताया कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसी वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। आलोक उसे अपनी सीरम के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो अपने सीरम का उपयोग चूहों पर करता था। उस सीरम के प्रभाव के कारण उन चूहों को ताकत और दिमाग उनका बढ़ रहा था। वो एक बार अपने गुरु और प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे थे। वो लेक्चर इंसानों की ताकत और दिमाग बढ़ाने के लिए उसके दिमाग के किस हिस्से में किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, इस बात के बारे में था। उसके लेक्चर में उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसकी वजह से उनको उनके सीरम की कमी के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो अपनी लैब में जाते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि सरकार उनकी लैब को बंद कर रही है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की वजह से सरकार के बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। अब आलोक को बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि उसके कई सालों की मेहनत बेकार होने वाली थी। इसीलिए उसने 1 सप्ताह का टाइम मांगा, लेकिन सरकार ने उसको टाइम देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके कई बार रिक्वेस्ट करने पर सरकारी ऑफिसर्स मान जाते हैं और उसको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। अब वो फिर से वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी कमी रह जाती है और सरकार उसकी लैब बंद कर देती है। लेकिन वो उस लैब में से वो सीरम ले आता है और असली सीरम कोई उसकी कार से चुरा लेता है और वहां कुछ नकली दवाइयां जो केमिकल मिली थी रख देता है और इसका प्रयोग अपने ऊपर ही कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा एक जोम्बी की तरह बन जाता है। दोस्तों, इस वजह से वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर में भी बहुत से उपकरण और आविष्कार करने का सामान था। इसीलिए वो अपने लिए घर में ही एक डॉक्टर के जैसा सूट तैयार करता है। वो सूट बुलेट प्रूफ था, जिसमें वो अपने लिए एक मास्क भी तैयार करता है, जिससे कोई उसका चेहरा देख ना पाए। वो अपने लिए एक ऐसा शूटर तैयार करता है, जिससे जब भी वो उस शूटर से शूट करता तब उसमें से एक वायर निकलता जो कि किसी दूर की जगह पर अटैच हो जाता और आलोक उस शूटर की मदद से कितनी भी दूर का रास्ता बहुत ही कम समय में तय कर सकता था। इस तरह से ये मामूली सा साइंटिस्ट ज़ॉम्बी बन जाता है। उसने जो स्टेथोस्कोप तैयार किया था, जिसमें माइक्रोफोन की मदद से वो दूर की बातें भी सुन सकता था, वो अपने सूट में भी बहुत से सीरिंज रखता है, जिससे वो किसी को भी उससे बेहोश कर सकता था। और बाकी वो तो अब ताकतवर हो ही चुका था। अब आलोक ने ये तय किया कि वो भी एक सुपर हीरो की तरह लोगों की मदद करेगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आलोक उर्फ डॉक्टर ज़ॉम्बी उसे कहता है कि उसके पास कोई एंटीडोज नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए वो अपने स्टेथोस्कोप से चारों ओर क्या हो रहा है ये सुनता है। तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज बहुत तेज थी। अब आलोक अपने शूटर की मदद से वहां पर जल्दी से पहुंच जाता है। वो एक बहुत बड़ा गोदाम था, जिसमें बहुत से लोग बंदूकें लिए खड़े थे। तो वो अपनी सीरिंज की मदद से बहुत सारे लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन एक आदमी उसको देख लेता है और वो सभी को चिल्लाकर बता देता है। उनमें से एक उसका सूट देखकर कहता है कि डॉक्टर, तुमने हमारे लोगों को क्यों बेहोश किया है।
तब आलोक कहता है कि तुमने जिस लड़की को पकड़ रखा है उसको छोड़ दो, मैं उसको लेकर चला जाऊंगा। तब वो लोग बोलते हैं, तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है तुम्हारा उससे? तब आलोक कहता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसी मुसीबत में फंसे को बचाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। तब वो लोग कहते हैं कि वो मुसीबत में नहीं है, अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आलोक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगता है। अब सभी लोग मजबूर थे, वो आलोक पर गोलियां चलाने लगते हैं, वो भी ताबड़तोड़। लेकिन डॉक्टर के सूट के कारण उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और आलोक सभी को बेहोश करते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की कैद थी। उस लड़की का मुंह और हाथ बांधा हुआ था। वो उस लड़की को कहता है कि अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको यहां से छुड़ा लूंगा। आलोक उसके हाथ और मुंह खोल देता है। वो लड़की एक इविल स्माइल दिखाते हुए वहां से चली जाती है। आलोक उसके पीछे जाता है, लेकिन वो जब बाहर निकलता है तो वो लड़की गायब हो चुकी थी, वो भी अचानक ही। असलियत में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काया थी, जो अपना वेश और अपना रूप बदल कर सबको चकमा दे देती थी। ऐसे ही उसने आलोक और डॉक्टर जोम्बी को भी चकमा दे दिया था। दोस्तों, ये सब होने के बाद अब वो भी अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद उन सभी लोगों को होश आ जाता है। वहां पर क्रिश भी आ जाता है। क्रिश पूछता है कि काया कहाँ है। तब उनमें से एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर आया था, उसका चेहरा एक जोम्बी की तरह दिख रहा था, मैंने उसका चेहरा देखा था जब हमसे लड़ते हुए उसका मास्क निकल गया था। वो डॉक्टर जोम्बी था और वो कह रहा था कि वो उस लड़की को बचाने आया है। इसके बाद क्रिश वहां से काया को ढूंढने चला जाता है। दोस्तों, अब डॉक्टर जोम्बी जो कि आलोक है, वो ये सोचता है कि कहीं उसने उस लड़की को छुड़ाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि वो लड़की बहुत खतरनाक है। दोस्तों, तब डॉक्टर जोम्बी उस लड़की जिसका नाम काया है उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि डॉक्टर जोम्बी ने उस लड़की के कपड़ों पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। वो देखता है कि वो उसके घर के पास ट्रेस हो रही है। वो ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वहां पहुंच जाता है जहां वो लड़की थी। लेकिन दोस्तों, वो अब वहां पर नहीं थी और चारों ओर की जगह तहस नहस हो गई थी। तभी अचानक क्रिश भी वहां आ जाता है और देखता है कि वहां पर सभी लोग बेहोश पड़े थे। डॉक्टर जोम्बी उनको एक एक करके हॉस्पिटल पहुंचा रहा था। क्रिश भी अपनी शक्तियों की मदद से उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाता है इलाज करवाने के लिए। सबको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जीवन डॉक्टर जोम्बी से पूछता है कि तुमने काया को क्यों छुड़ाया था। तब डॉक्टर जोम्बी कहता है कि उसे लगा कि उसको इन लोगों ने जबरदस्ती किडनैप कर लिया है, मैं बस उसकी मदद के लिए आया था और मैं चाहता था कि मैं उसे छुड़ा लूं क्योंकि वो मुसीबत में है। तब क्रिश डॉक्टर जोम्बी को बताता है कि वो एक काया है, वो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। उसकी आवाज में सुपरसोनिक पावर है, वो अगर अपने पूरी पावर से चिल्लाए तो एक बिल्डिंग को राख बना सकती है, मधुर बोले तो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीख रही है, इसीलिए हमने उसको पकड़ रखा था। लेकिन तुमने उसको छुड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब वो उन सब से बदला लेगी जो लोग उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। पूरी बात जानकर डॉक्टर जोम्बी को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत पछतावा भी होने लगता है। दोस्तों, अब वो क्रिश की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद डॉक्टर जोम्बी अपने ट्रैकर की मदद से उन सबको वहां ले जाता है जहां पर काया थी। काया ने 3 साइंटिस्ट को बांध कर रखा था। तभी वहां पर वो सभी पहुंच जाते हैं। क्रिश अपनी तेजी की शक्ति से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन काया की सुपरसोनिक हमले से वो घायल हो जाता है। अब डॉक्टर जोम्बी उसकी तरफ बढ़ता है, काया उस पर भी अपनी सुपरसोनिक चीख से हमला कर देती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसका सूट किसी भी प्रकार के सोनिक अटैक को झेल सकता था। वो उसके पास जाता है और सीरिंज से उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद क्रिश और डॉक्टर जोम्बी काया को आलोक के घर की लैब में ले जाते हैं और दोस्तों, काया के कुछ अवशेष डॉक्टर जोम्बी की कॉस्ट्यूम पर चिपक जाते हैं, जिस पर एक्सपेरिमेंट करने पर डॉक्टर जोम्बी को पता चलता है कि जिस सीरम का प्रयोग करके काया को बनाया गया था वो वही सीरम है जो खुद उसने बनाया है। तो दोस्तों, इसका मतलब पूरी तरह से साफ है कि डॉक्टर जोम्बी के पास काया को डिसेंबल करने का सीरम भी है, लेकिन इस सीरम को लगाने पर एक रिस्क है कि अगर इसको लगाने के बाद अगर काया डिसेंबल नहीं हुई तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी।
तो क्या ये रिस्क क्रिश डॉक्टर ज़ोंबी को उठाने देगा? क्या रोहित मेहरा इसमें डॉक्टर ज़ोंबी का साथ देगा? क्या लगता है आपको, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, हो सकता है कि ये पूरी कहानी इस बार क्रिश 4 में भी नजर आए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाते जाते। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को आपको कर देना है लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।